तो आज घर पर होने के बाद भी मेरे बिस्तर तक चाय क्यों नहीं पहुंची, यही सोचते हुए नीचे जाकर देखता हूं तो पापा पिस्टल के साथ खेल रहे होते हैं मम्मी पूजा और भाभी किचन में। अभी चाय है, क्या करोगे चाय पी के और सो लो एक दो घंटा। और चाय के साथ तो कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला, लेकिन एक ताना खाने को जरूर मिल गया। चाय पी लो, मंदिर की सफाई करो। तो आप लोग देख रहे हो सही से बैठकर चाय भी नहीं पी पाया, तब तक मम्मी ने आकर अपना काम भी बता दिया। तो सफाई करने के बाद मम्मी पूजा करने लगती हैं और इधर मैं और वैसे आप लोग तो जानते ही हैं हम लड़कों की खातिरदारी तो कभी की नहीं जाती, लेकिन घर पर आए हुए मेहमान के साथ अगर बैठ जाओ तो थोड़ी सी हो जाती है। तो अपनी बड़ी बुआ के दामाद यानी कि मेरे जीजा जी को बाय बोलकर मैं मम्मी के पास आता हूँ कि ले जाओ ना थोड़ी, अभी इन सब खाएंगे और तुम ऐसे ही चले जाओ, 10 पीस ले जाओ, अब तो ना ज्यादा तो मारेंगे तुम्हें बहुत। तो मम्मी का अत्याचार सहने और मिठाई के डिब्बे को बैग में रखने के बाद सभी का आशीर्वाद लेता हूँ और बुआ से 20 रुपए और सभी से 100-100 रुपए लेकर निकल जाता हूँ पापा से मिलने के लिए। और यहाँ पहुँचकर सबसे पहले पापा का आशीर्वाद लेता हूँ और फिर मकान में चल रहे काम को देखने के बाद भैया से 100 रुपए लेकर पहुँच जाता हूँ बरेली अपने रूम पर।